हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ टीचर्स 111. कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे. फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग आने वाले हफ्ते की, यानी कि 11 to 17 July, और देखने की कोशिश करूंगी कैसा रहने वाला है आपका ये हफ्ता. ये रीडिंग जो है मैं करने जा रही हूँ धनु राशि के लिए, यानी कि सैजिटेरियस के लिए, और देखूंगी कि आपके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं इस हफ्ते. रीडिंग शुरू करने से पहले बता देना चाहूंगी, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो आप. ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, और ये जनरल रीडिंग है तो ये सभी के लिए है. ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि सैजिटेरियस कैसा रहने वाला है आपका ये आने वाला हफ्ता. ओके, एम्प्रेस, हाई प्रिस्टेस, सुपर चेंजेस, मेजर चेंजेस होने वाले हैं. एक स्टेबिलिटी आ रही है, पेशेंस आपका टेस्ट किया जाएगा, आपके अंदर पेशेंस कितना है. जॉब वर्क लाइफ जो है थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है आपके लिए, कुछ नए टास्क आ सकते हैं, टास्क में एडिशन हो सकता है, बट अगर आप हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करते हैं ना, चीजें जो है सही डायरेक्शन पे आएंगी. मुझे ऐसा भी लग रहा है ये जो डेथ का कार्ड आया है, यानी कि रीबर्थ चेंजेस का कार्ड आया है, वो इसीलिए आया है कि ताकि आपकी जो सामने परेशानी है उसे आप परेशानी की तरह ना देखो, उसे एक चैलेंज की तरह देखो. ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो है ना ऑब्स्टेकल्स को मिटाने वाला है. जो भी अगर आपके वर्क और करियर में ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, आने वाले वक्त में स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने वाली है, अपने विजन्स का ध्यान रखें, आपको विजन्स के तरफ से, एंजल के तरफ से कोई कोई इंडिकेशंस मिल सकता है. कुछ लोगों के लिए मुझे गुड न्यूज भी नजर आ रहा है कि हो सकता है कि आपके घर में कोई गुड न्यूज आ रहा हो, मैरिज रिलेटेड हो सकता है, शादी रिलेटेड हो सकती है, तो ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ आपकी मदर, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, आपकी मदर हो सकता है आपकी शादी की बात करे आपसे. मुझे पता नहीं किसके लिए मैसेज है, तो हाँ शादी की बात चल सकती है, जिसमें अगर आप पता नहीं आप इंटरेस्टेड तो मुझे नहीं लग रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप किसी और चीज के पीछे चेस कर रहे हो, बट आपकी मदर चाहती है कि आप सेटल हो जाओ. उनके साथ आपको लेकर थोड़ी बात हो सकती है अपनी शादी को लेकर, कुछ आपके लिए किसी को देख रही है, या फिर आपके लिए कुछ रिश्ते आ रहे हैं जिसको लेकर आपकी डिस्कशन हो सकती है इस आने वाले हफ्तों. जस्टिस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, इट्स नाइन ऑफ सोर्ड्स, ओके, नाइन नाइन के एनर्जी नंबर, नाइन नंबर इलेवन बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे मास्टर नंबर 99 है. तो हाँ, आपकी विश फुलफिल हो सकती है आपके वर्क और करियर को लेकर, आपके पेशेंस को टेस्ट किया जाएगा, और अगर आप सही होते हो आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा ऑफकोर्स. तो अभी चेकिंग चल रहा है यूनिवर्स की तरफ से ही आपके लिए. एस ऑफ पेंटिकल्स, इसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है फ्रेंड्स, इसे ना भूलें. आप अगर वर्क और करियर को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपका जो भी अभी टफ साइकिल चल रहा है, फिर से हाई प्रिस्टेस आया, अगर आपको उसको लेकर टफ साइकिल चल रहा है, आपका टेस्ट किया जा रहा है कि आप कितने मजबूत हो. मैंने बोला ना, आपकी मदर जो है आपके सेटलमेंट को लेकर सोच रही है. तो जी हाँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो हो सकता है आपकी मदर आपको सेटल देखना चाहती है, आपसे कुछ उम्मीदें लगाकर बैठी है, आपसे कुछ उनकी ख्वाहिशें हैं, तो उसको लेकर भी आपके बीच में बात हो सकता है. एक न्यू कनेक्शन मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में आते हुए, जो आपके फैमिली के तरफ से आ सकता है, आपकी थोड़ी बहुत बातें हो सकती हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे एक नया कनेक्शन दिख रहा है कि वो पर्सन जो है आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली आएंगे, ऑटोमेटिकली अपना कनेक्शन आपके तरफ उस पर्सन का हो सकता है, अपने आप झुकाव हो सकता है. ये पर्सन का कोई एक साइन जो है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकता है, या फिर हो सकता है क्वेरियस लीब्रा जेमिनाई, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है नहीं, एक्वेरियस लीब्रा जेमिनाई हो सकता है, या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये पर्सन, जिनकी तरफ
जिनका आपके तरफ जो है वो अचानक से झुकाव हो जाएगा, ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको लेकर यू नो थोड़ी इंटरेस्टेड से होंगे, बट आपको भी आश्चर्य लगेगा कि इसे क्या हो गया। और हाँ, अगर वर्क और करियर में आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी टेस्टिंग चल रही है और इस हफ्ते आपका काम बहुत ज्यादा है, तो बस समझ लीजिएगा ना, ये आपको पॉलिश कर रही है, ये वर्क जो है ना आपको पॉलिश कर रहा है, आपको तैयार कर रहा है किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए। तो अभी कोई चेंजेस ना करे, अगर आप वर्क और करियर में चेंजेस सोच रहे हैं तो चेंजेस की तरफ ना जाए, ये सिर्फ सोचे कि आपको बस टेस्ट दिया जा रहा है और आपको इसमें आपको अपना बेस्ट करना है। ऑलराइट, मदर के साथ अगर थोड़ी बहुत आपकी क्लैश होती है या फिर किसी चीज को लेकर, मदर को हर्ट ना करें, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, क्योंकि वो जो सोच रही है ना आपके फ्यूचर के लिए वो बहुत अच्छा होने वाला है। आपको भी ऐसा लग रहा होगा, आपको थोड़ी एंजाइटी हो सकता है, थोड़ा डिप्रेशन हो सकता है, इश्यूज ना क्रिएट करें, बातों को अच्छे से समझाने की कोशिश करिए, वो समझ जाएंगी। ओवरऑल आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है थोड़ी एंजाइटी, डिप्रेशन, काम का ज्यादा प्रेशर, थोड़ा सा चिड़चिड़े से रहोगे आप इस हफ्ते। चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या कह रही है। इमोशंस आर रनिंग हाई, अभी बोल रही थी मैं, कार्ड भी आ गया आपके लिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, कुछ लोगों के लिए नया प्यार भी आ रहा है, अभी मैं बात कर रही थी, यूनिवर्स भी वही आपको मैसेज देना चाहते हैं। एंड वी हैव यू आर गुड एनफ, अपनी काबिलियत पर जो है वो शक ना करें। मुझे यहाँ पे एक और मैसेज चैनल हो रहा है, वो ये है ना कि आपको हो सकता है अगर आप विजनरी हैं, अगर आपको विजन्स आते हैं, अगर आप इंट्यूटिव है, तो यूनिवर्स ये भी आपको इंडिकेशन दे रही है ना कि आप अपने विजन्स को रोके नहीं, कुछ मैसेज आ रहा है आपके लिए जो आपको एक सही डायरेक्शन दिखाएगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, एस ऑफ पेंटिकल्स तक पहुँचने के लिए। पता नहीं जिनके लिए भी मैसेज है उन्हें मैं बता रही हूँ, अपनी काबिलियत पर शक ना करें, बट अपनी काबिलियत पर ज़्यादा घमंड भी ना करें। मुझे दोनों मैसेजेस ही मिल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी पर्सन का जो आना है आपकी लाइफ में, दो पर्सन दिख रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों का ही जो आना है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डेस्टाइंड है। एक तो फैमिली की तरफ से है और एक पर्सन अपने आप भी आ रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किधर मूव करना चाहते हो, क्या आप सेटल होना चाहते हो, क्या आप अभी चीज़ों को नॉर्मल रखना चाहते हो, ये टोटली जो है ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि पास्ट के लोगों को याद ना करें। अगर पास्ट के लोग आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं, अगर पास्ट के लोग अगर आपसे यू नो टेलीपैथिकली बात करना चाह रहे हैं या फिर आपके ड्रीम्स में वो कुछ इंडिकेशंस दे रहे हैं, तो उसकी क्लैरिटी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो थोड़ा मेडिटेट करें, अगर कुछ भी नहीं काम कर रहा, बार बार अगर उस पर्सन का आप ड्रीम देख रहे हो या फिर वो पर्सन के बारे में आपको ख्याल अचानक से आ जा रहा है ना, तो प्लीज़ सरेंडर टू डिवाइन। और यहाँ पे बॉटम से भी आया है आपके लिए बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो हाँ, थोड़ा स्पिरिचुअल होने की कोशिश करें, थोड़ा यू नो मेडिटेशन करें, थोड़ा रिलैक्स करें, अपने माइंड को थोड़ा पीस करें, चीज़ें अगर कॉम्प्लिकेटेड है ना वो ठीक हो जाएंगी। ऑलराइट, तो ये थी धनु राशि वालों आपकी रीडिंग। होप आपको पसंद आई हो, पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।